आपको? परेशानी तो आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, न चल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न गाड़ी चला सकते हैं। आपने देखा जेसीबी जो आई थी, वो जेसीबी हमारे गली की लंबाई चौड़ाई जितनी है, इतनी हैवी मशीन है। हमारे सारा मोहल्ला पुराना बसा हुआ है, मकान तक खेल गए, जेसीबी खोद गई। कौन खुदाने वाला है, किस परियोजना के द्वारा तहत ये कार्य हो रहा है, कौन इसका एंटाइटल है, जबकि सरकार के द्वारा ये आदेश पारित है कि कोई भी काम करने से पूर्व उसका एक बोर्ड लगाया जाएगा कि भाई ये कार्य किया जा रहा है, इस ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। अंधी पीसे कुत्ते खाए, आप देखिए किस तरीके का नाश करके गए, मालूम नहीं क्या करेंगे। सर कौन सी लाइन डल रही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, कहने में आ रहा है कि पानी की लाइन है। अब पानी की लाइन है या क्या, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जबकि हमारे सरकार के लिखित और स्ट्रिक्टली से ऑर्डर्स हैं कि कोई भी कार्य होगा उसका कार्य आदेश संख्या, इवन कार्य करने वाले का, कितने कार्य में कितने दिनों में पूर्ण करेगा। सड़क को कितने दिनों में खुदाई? सड़क को खुदाई करे हुए चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, जबकि इतना बड़ा मंदिर है यहाँ पे, सब इतना बड़ा मोहल्ला है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ से उतरते हैं। सर इसमें कोई पार्षद से बात करी थी आपने? नहीं, पार्षद से मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, बाकी कोई प्रशासन ने ध्यान दिया इस पर? कहाँ, आपसे, आप भी मेरे ख्याल से यहीं के निवासी हैं, आपको भी मालूम है कोई आ रहा है? प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ ना। सर यहाँ दो मंदिर भी है, झूलेलाल का मंदिर और भैरवधाम। अब बताइए, जितना अपने पुष्कर का महत्व तो, उतना ही अपने झूलेलाल नसरपुर दरबार का महत्व है, जहाँ झूलेलाल जी अवतरित हुए उस स्थान में चालिया उत्सव चल रहा है। इन बेशर्मों को, बेहयाओं को ये भी शर्म नहीं है, भैरू जी का मंदिर है, श्रद्धालुओं को आने, परसों ही आपने खुद ने देखा कि वो बुढ़िया अम्मा गिर गई उनके टांग में। अभी आप खाली मेरे गली की बात नहीं है, ये पूरे वार्ड 13, आप माली मोहल्ला, नवाब का बेड़ा, ट्रांबे स्टेशन, पीछे आपके जो है ठठेरा चौक, हुचरी गेट, बड़ी दयनीय स्थिति कर दी है, बदतर से बदतर हाल कर दिए। सर आपको पता नहीं लाइन किसकी डल रही है अभी तक? वास्तव में पता नहीं, आप इन बच्चों से, ये पूरे मोहल्लेवासियों से पूछ लें, हमें नहीं मालूम। कहने में आ रहा है कि जल विभाग डाला जा रहा है, पर जल विभाग का कोई एक कर्मचारी तो आ जाए यहाँ पे, हमें आगे ढाढ़स तो बंधाएं। आप बताइए कैसे निकले, भगवान ना करे कोई आगजनी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस जा सकती है यहाँ से? जेसीबी यहाँ आ गई, मोदी जी कह, अलाउ ही नहीं है डियर सर, अलाउ ही नहीं है। जबकि जेसीबी अगर की जगह, अगर इन हमारे जो कह रहे हैं बेरोजगारी फैल रही है, अगर हमारे हाथों को काम दिया जाता, कुदाल फावड़े से होता, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आप देखिए दुकानदार चल नहीं पा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नुकसान हुआ इनका किसी का, ये देखिए ना आपके सामने सत्यानाश कर गए, कैसे होगा? नला हमारी पाइपलाइन उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक गए, कोई कहने वाला नहीं है। सर कौन सा वार्ड, कहाँ पर है ये वार्ड? 13 है माली मोहल्ला। मैं अभी लंच में आया हूँ, जो अच्छा हुआ आप लोगों ने, एक आप लोगों का ही सहारा रहा, प्रशासन नाम की कोई चीज़ रही नहीं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश। भैया बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रशासन के अखबार में दिया गया, प्रशासन कहता है कि खुदाई बनाए बारिश के कारण, फिर भी बारिश में ये खुदाई किस एंगल से कर रहे हैं, इनको कौन परमिशन देगा? एक तरफ तो सरकार कहती है कि खुदाई बंद है, और दूसरी तरफ ये गलियों में खोद रहे हैं, रोड तोड़ गए हैं, जेसीबी से खोदने से दूसरे मकान को क्षतिग्रस्त होती है। अगर इस दूर मजदूर के द्वारा खोदा जाता है तो जितनी जगह उतना ही खोदा जाएगा। सर इस मोहल्ले में जेसीबी घुस सकती है? सर जेसीबी तो, ये तो प्रशासन की लापरवाही या ठेकेदार की दादागिरी जो डाल रहा है, बाकी मजदूर द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। सर कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे बच्चों के साथ? भैया इस एरिया में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती तो एम्बुलेंस आने की समस्या सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका नाम? ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 13, संजय डांगुरिया।